इन्हें आभार व्यक्त करने के लिए मात्र मैं यही कह सकता हूँ कि आपका आपको सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। हमारे बीच में उपस्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटरमीडिएट कॉलेज से प्रबंधक श्री विनय पांडे जी और प्रधानाचार्य जी, शायद जब मैं पहली बार आपसे मिला आपके विद्यालय पर जाकर, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। आपकी भाव और अभिव्यक्ति ऐसी थी, मुझे लग रहा था कि मैं यहीं रह जाऊं थोड़े दिन, लेकिन मेरे भी अपने कुछ बंधन होते हैं। ऐसे अतिथि को अगर मैं पाता हूं तो निश्चित रूप से मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं ही नहीं यह संस्था भी सौभाग्यशाली समझती। आपने अपना व्यस्ततम समय निकाला, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है और मैं आपसे सदैव यह अपेक्षा करता रहूंगा कि आप जब भी हम इस संस्थान की तरफ से आपको आमंत्रित करें तो इस आमंत्रण को आप सहर्ष से स्वीकार करेंगे। मैं एक बार पुनः दो अतिथि प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य जी जो एक ही विद्यालय से यहाँ उपस्थित है, आपके प्रति हृदय से हृदय की गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। हाई स्कूल से उपस्थित प्रधानाचार्य जी, आप यहाँ जब आए करते आपको कभी देखा भी नहीं था, शायद मेरी वार्ता भी आपसे कभी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे छोटे से आमंत्रण पर मेरे तरफ से विवेक जी और विजय जी और अनुज जी जिस प्रकार आपसे आमंत्रित किए, पहले तो मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, अपने सहयोगियों को कि आपको आमंत्रित किए। आप जब आए यहाँ शायद आप भी मुझे नहीं पहचान पाए होंगे कि मैं यहाँ राजा के पद पर हूं, और मैं भी आपको पहचानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं थोड़ी ही देर बाद समझ गया कि आप प्रधानाचार्य ही हैं। आप आए अपने विद्यालय से कार्यक्रम को समाप्त करके, जबकि आज वित्त विसर्जन का भी कार्यक्रम चल रहा है, अंतिम दिन है, मैं आपको किस प्रकार और किस शब्दों का धन्यवाद दूं कि मुझे समझ में नहीं आता। बस इतना कह सकता हूं कि आप जैसे लोगों के आने से ही यह महाविद्यालय पवित्र हो गया, यह महाविद्यालय धन्य हो गया। आपको ही मैं जब भी इस महाविद्यालय में बुलाऊंगा आप सहर्ष मेरे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। मातृशक्ति के रूप में उपस्थित जय मैं जो निरंतर इस मंच पर हमारा सहयोग करती है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अनुज जी, विजय जी या जो भी मेरे सहयोगी शिक्षक हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बस यही कह सकता हूँ सभी सहयोगी शिक्षक जो निरंतर मेरा सहयोग कर रहे हैं इस कॉलेज के उत्थान के लिए, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरा उत्साह और दर्द निरंतर कर रहे हैं, जो इच्छा जो इस संस्था की आत्मा के रूप में यहाँ उपस्थित है, अगर ये ही नहीं रहे तो हम किनके लिए कार्यक्रम करेंगे। मैं कैसे उनके प्रति अपने आभार व्यक्त करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इसे ये जरूर अपेक्षा करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे आपके साथ साथ मेरा भी उत्साह और धन कि हमारे विद्यार्थी हमारे लिए कितना प्रिय, हर बार दोस्त दूसरी बार हर बार का मतलब मैंने संचालन कर रही डीएड की छात्र धाविका को देखा, गजब का टैलेंट, गजब की प्रतिभा, और मैं ये मानता हूं कि ये सारी प्रतिभाएं व्यक्ति लेकर नहीं आता है, कहीं ना कहीं ईश्वरी देन होती है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इसके प्रति ये भाव निरंतर जागृत है।
जिन छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो भी आभार के पात्र, जो नहीं प्रस्तुत किए वो भी आभार के पात्र। कम से कम उनके भाव और विचार और अभिव्यक्ति को आपने ध्यान से सुना। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जो हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग किए, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। जाने यदि किसी के प्रति मेरा आभार छूट गया तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। थोड़ा बोलूंगा गांधी और शास्त्री के बारे में, ये तो रहा आभार जो मैंने भाव उतार दिया। 5 मिनट ज्यादा नहीं होगा। तो मेरी नजर में दोनों महात्मा हैं।